मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर राइट्स। और बस काला काला दिख रहा है भाई, आप सही है। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर राइट्स। और मैं हूँ ऋतिक। और आप सोच जाओगे मैं पैदल क्या कर रहा हूँ। असल में हुआ ये है कि कल मैं रात में गाड़ी लेके जा रहा था, तो एकदम से गाड़ी पंचर हो गई। तो मैंने उसको थोड़े आगे पेट्रोल पम्प पे एक पंचर वाला था उससे बनवाया। तो हुआ ये कि उसकी वॉल ख़राब हो गई थी। वॉल ख़राब होने की वजह से, मतलब वॉल जो जहाँ से हवा भरी जाती है उसे वॉल कहते हैं, तो वॉल ख़राब हो गई थी। तो मैंने उसकी वॉल सही करवाई वहाँ पे। तो हुआ उसमें ये कि साइड से एयर की लीकेज होने लगी, जहाँ पे जो टायर आपके जो अलॉयज थे जहाँ से अटैच रहता है अंदर से, वहाँ से गैपिंग आ गई, वहाँ से लीक करने लगा। और जो साइड में आपका जो कर्व होता है वहाँ पर एक बल्ब क्रिएट हो गया। बल्ब इन द सेंस वहाँ पे एयर बलून जिसे कहते हैं वो क्रिएट हो गया, जिससे गैस लीक होने लगी है। तो जहाँ तक वो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, जो शायद हाई प्रेशर की वजह से सडनली अकर हो गया। और गाड़ी अपनी नई है, तो मैंने सोचा था कि वो शायद सही हो जाएगा। तो मैं उसको लेके गया अपने पुराने वाले घर पर बालागंज वाले, तो वहाँ पर मैंने अपनी गाड़ी खड़ी कर दी और यहाँ पर रात में आ गया था। क्योंकि मैंने सोचा शोरूम वहीं पास में, अब चलाऊँगा तो उसका अलॉय पर फ़र्क पड़ सकता है, नई गाड़ी अपनी, तो प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करना चाहता था। और इसलिए मैंने गाड़ी वहीं छोड़ दिया। अभी जाएंगे यहाँ से शोरूम, और शोरूम जाके अपने भैया से कहूँगा कि गाड़ी ले आए यहाँ पे शोरूम पे, और फिर देखते हैं क्या प्रॉब्लम है, क्लेम मिलेगा कि नहीं उस पर। और मिलेगा तो सही है, पैसे बच जाएंगे, वरना 4,500 समथिंग का पीछे वाला रेयर टायर पड़ेगा। क्योंकि हुआ ये है कि वो बल्ब जो क्रिएट हो गया है ना उससे, और गाड़ी बहुत अपनी चल गई है थोड़ी, असल में 2000 किलोमीटर चल गई है, तो पता नहीं उस पर क्लेम मिलेगा कि नहीं, ये इशू है। अगर क्लेम मिल जाएगा तो पैसे बच जाएंगे 4,500 रुपये, और नहीं मिलेगा फिर क्या, तब तो नया टायर लेना ही पड़ेगा। अभी एग्ज़ाम भी आने वाले हैं, एग्ज़ाम चल रहे हैं, जिसकी वजह से मैं फ्रीक्वेंटली वीडियोस नहीं बना पा रहा हूँ, तो मुझे नया ऑब्वियसली लेना ही पड़ेगा टायर। तो देखते हैं अभी ज़्यादा समय। टायर खुल गया है, अभी नया टायर लग रहा है, अभी आ रहा है वो, लगेगा फिर सब कुछ चेंज हो गया। अभी बाकी डिटेल में देता हूँ घर जाके, जो नया नया पार्ट लगा हुआ है इसमें, सब कुछ नया लगा हुआ है, जब देख सकते हैं किए हैं और कुछ और नए पार्ट लगे जो मैं अभी घर जाकर बताता हूँ। सो धूप बहुत हो रही है, घर जाके मैं सारे आपको बताता हूँ डिटेल में कि thank you.
सो आ गए हम लोग घर और दिखाता हूँ कुछ चला टायर। ये हुई है फिनिशिंग इसकी, दिखने में बहुत प्यारा लग रहा है। एक तो आरसी में पीछे मैंने मडगार्ड वडगार्ड सब हटा दिया है और यहाँ पे हैंडल लगा होता है होल्डर, वो सब हटा दिया है, जिसकी वजह से लुक इसका पूरा नेकेड में इतना तगड़ा आता है कि पूछे मत। अब रहेंगे सोच रहे होंगे कि मैं गया था ड्यूक 390 का काम करवाने। हुआ असल में ये कि ड्यूक 390 का जो पीछे वाला टायर है उसको अब वारंटी में क्लेम पे वो कह रहे हैं कि देंगे, और उसके लिए गाड़ी मुझे खड़ी करनी पड़ती और खड़ी कर दी है मैंने। अगर मैं उसका टायर, मैंने पूछा कि मैं अगर पीछे वाला टायर चेंज करा लेता हूँ आप प्रोसीजर करवा लीजिए अपने चेंज करने का, तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसे करेंगे तो वारंटी उसकी जा सकती है। इस वजह से मैंने वो गाड़ी वहीं पर छोड़ना प्रेफर किया और ये वाली गाड़ी मैंने उठा ली। मैंने कहा यही उठा लेते कम, क्योंकि अभी मेरे कल से एग्ज़ाम है, पेपर है, तो मुझे दिक्कत होती। तो मैंने क्या किया, इसको उठा लिया। इसके पीछे वाला टायर ये ख़राब था, ये वाला मैंने चेंज करवा लिया इसीलिए। और अब चेंज करने की रही बात, तो मैं बताता हूँ क्या क्या चेंज कराया है। मैंने चेंज कराया है ये नया लगा है आपका शॉकर लगा है, मोनोशॉक जो पीछे है वो नया लगा है, चेन नहीं लगी है, पूरी असेंबली नहीं लगी है। ये देख सकते हैं ये भी पूरा चेन सॉकेट सेट है, ये पूरा नया लगा हुआ है। आम्बुश चेंज हुआ है, आम्बुश बेसिकली यहाँ पे होता है ये जो हल्की स्विंग करने लगी थी, मतलब जब सॉकर ख़राब हो जाता है ना तो उससे मूवमेंट थोड़ी लचक ज़्यादा आ जाती है, तो यहाँ पे जो आम्बुश ख़राब हो गया था वो भी नया चेंज हुआ है। ये आप रेडिएटर देख सकते हैं कूलेंट वाला, ये भी नया लगा है टोटली। क्यों? क्योंकि इसका कूलेंट कहीं से शायद इस पत्थर वत्थर लग गया था जिसकी वजह से लीक करने लगा था, यहाँ से लीक करने लगा था। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से कहीं लीक करने लगा था, अब दिख रहा होगा कि नहीं इसमें, तो पुराने वाले में था, ये तो नया है, ये बिल्कुल नया लगा हुआ है, तो ये बिल्कुल सेट चल रहा है अब। और बाकी सब तो पुराना ही है और कुछ नहीं, हैंडल चेंज हुआ है। ये है हमारा हैंडल, ये जो रॉड दिख रही है यहाँ पे, ये रॉड है, ये चेंज हुई है, ये दोनों में नई लगी हुई हैं। ठीक है, और सब तो वही है, ये गिनी चुनी चीज़ें चेंज हुई है, लेकिन मोटा मोटा खर्चा बहुत आ गया है। ऑलमोस्ट 16,000 रुपये का खर्चा हुआ है, जिसमें आपका सबसे महंगा तो सॉकर ही है जो अप्रॉक्स 5200 समथिंग का है, चेन सॉकेट सेट अप्रॉक्स 3000 कुछ का है, रेडिएटर 5000 का है, और आम्बुश ये सब चीज़ें मिला के ही 16,000 हुए। और मेन चीज़ें फिर सर्विस चार्ज और जितना लेबर चार्ज ये सब लगता है वो सब हुआ है, तो इतना मोटा मोटा खर्च है। ये भी बहुत डैमेज हो गया है ये, तो इसको भी चेंज कराना है, लेकिन अभी टिकाऊ के लिए चला रहा हूँ मैं, क्योंकि अभी मेरे पास ऑप्शन नहीं है कोई, तो मैं इसको भी जल्दी चेंज करा लूँगा, वो वाली गाड़ी जब बाद में आ जाएगी। अभी असल में मोटा मोटा खर्चा बहुत हो जा रहा है, 16,000 रुपये गाड़ी का, टायर का भी 4,000 रुपये, तो बेसिकली बहुत हैवी लोड आ रहा है मेरे ऊपर, तो इसलिए अभी, लेकिन इसको भी जल्दी हफ्ते में ही चेंज करा लेंगे, 3-4-5-6 दिन में ही चेंज करा लेंगे। और हाँ, एक और चीज़, डिस्प्ले चेंज हुई है, डिस्क नहीं है, और इसके ऊपर ये जो डिस्पैड हैं सब नए लगे हुए हैं, सर्विसिंग भी हुई थी, हाँ इंक्लूडेड है, इंजन ऑयल चेंज हुआ था सब कुछ, और टोटली पूरी सर्विस के साथ काम हुआ था, इस वजह से भी 16,000 रुपये ये नहीं गए। तो इसका जब अभी इसकी जो बिलिंग हुई है वो एग्जैक्टली नहीं हुई है, क्योंकि जो वहाँ का मैनेजर है वो जानने वाला है मेरा, तो उसने अब जो कल का व्लॉग होगा मोटर व्लॉग सेकेंड वो होगा मेरी इसी गाड़ी के साथ, तो ट्यून रहिएगा सब लोग। और यहीं पर व्लॉग एंड करते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, दिस इज़ ऋतिक झा साइनिंग ऑफ, बाई।